नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी टेक में और मैं हूँ ब्रजेंद्र। दोस्तों आज 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों जो सबसे पहली खबर है वो SSC को लेकर के आए। SSC मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसने अक्टूबर 2019 से लेकर के मार्च 2019 तक जितने भी परीक्षाएं होनी हैं पूरा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है आगामी 1.5 साल का। इसमें SSC 26 परीक्षाएं करवाएगा। किस परीक्षा के फॉर्म कब आएंगे, कब उसकी अंतिम डेट होगी और कब उसकी परीक्षा होगी, पूरा शेड्यूल यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग हमारी वेबसाइट से आज शाम तक डाउनलोड कर पाएंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए आप हमें अगर देखना चाहते हैं न्यूज़ तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बता दें आपको CGL 2019 की जो पूरी परीक्षा होगी उसके फॉर्म 22 अक्टूबर से आने वाले हैं। इसी 22 अक्टूबर 2019 से 22 नवंबर इसकी लास्ट डेट होगी और 2 से 11 मार्च 2020 का इसका एग्ज़ाम होगा। ये फॉर्म जस्ट CGL के अभी आने वाले हैं, बाकी यहाँ पे कुछ फॉर्म पहले से स्टार्ट हो चुके हैं, उनकी परीक्षाएं कब हुई वो यहाँ पे दिया गया है। पूरा 1.5 साल का परीक्षा कैलेंडर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो ये न्यूज यह है PCS को लेकर के, संशोधित सूची का इंतजार, PCS मेंस 18 से ही हाईकोर्ट के आदेश पर महिला सूची में होना है बदलाव। उसके अभी 2-4 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने PCS 2018 की जो प्री परीक्षा हुई थी उसमें बदलाव होना है, पिछला जो परिणाम था उसको उन्होंने रद्द कर दिया था। तो यहाँ पर महिलाओं का जो रिजल्ट है उसमें बदलाव होना है। तो फिलहाल अभी 18 अक्टूबर से इसकी मेंस परीक्षा है तो उससे पहले इसमें बदलाव होना है ऐसा आयोग ने कहा था, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से इसमें कोई कदम नहीं उठाया गया। आयोग को हाईकोर्ट का आदेश मिल गया है, उसमें मीटिंग हो चुकी है, मंथन भी हो चुका है। अभी फ़िलहाल महिलाओं की जो सूची है उसका इंतज़ार है कि कब आएगी, और जितनी सूची आएगी जो लोग पास होंगे इस सूची से उनका दोबारा से मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भी लिया जाना है और मुख्य परीक्षाएं 18 अक्टूबर से होनी है। तो यही अपडेट है कि इसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, आयोग कह रहा है कि सारी परीक्षाएं समय से होंगी, अब देखना है क्या होता है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूज है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से कि आयोग में भी शिकायतें शपथ पत्र पर मान्य होंगे। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी शिकायत करते हैं, अभ्यर्थियों की जो भी समस्या होती है, अब आयोग भी यहाँ पर शपथ पत्र पर शिकायतें लेगा। ठीक है, अभी तक UPSC शपथ पत्र पर शिकायतें लेता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने भी इस प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग का कहना है कि शपथ पत्र में स्वयं हस्ताक्षर करके उसकी छाया प्रति जो जिसमें आपको प्रॉब्लम है संलग्न करना अनिवार्य होता है। निर्णय इसलिए हुआ है क्योंकि आयोग को काफ़ी शिकायतें मिल रही थी, लेकिन जांच में तमाम शिकायतें फर्जी मिल रही थी, जिस पर बोर्ड ने शपथ पत्र लागू कर दिया है। ठीक है, अगली दोस्तों न्यूज़ की बात करते हैं। तो ये न्यूज है TT को लेकर के, UPDET आप सभी का इंतजार कर रहे हैं, तो इसके आवेदन अगले हफ्ते शुरू होंगे। यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन अगले हफ्ते से शुरू होंगे, यानी दशहरे बाद इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और वहीं पर इसकी जो परीक्षा होगी दिसंबर में होगी, दिसंबर के दूसरे या तीसरे पखवाड़े में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। शासन का पूरा प्रस्ताव भेज दिया गया है, अनुमोदन होते ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, अब फॉर्म आ जाएँ तभी इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये तो लगातार 2 महीने से चल रहा है कि फॉर्म अगले हफ्ते भरे जाएंगे, अब देखना ये होता है। वैसे अब उम्मीद है कि 15-20 तक इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक फैसला हुआ है कि 5वीं और 8वीं में फिर से बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है, विधान परिषद में घोषणा की है कि 5वीं और 8वीं में फिर से बोर्ड परीक्षाएँ होंगी। तो देख लेते हैं, प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने गुरुवार को विधान परिषद में घोषणा की कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस सत्र से फिर शुरू कराई जाएंगी। ये परीक्षाएं UPA के शासनकाल में बंद कर दी गई थी। ठीक है, तो अब 5वीं और 8वीं की दोबारा से परीक्षाएं कराई जाएंगी। ठीक है,
अगली न्यूज़ की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो यल्टी गेट रिजल्ट को लेकर के अपडेट है। मैंने कल भी अपडेट दिया था आपको कि यल्टी गेट के रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी कल गए थे, लेकिन जो UPSC की चेयरमैन साहब हैं वो उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, क्योंकि जहां पर अब ज्ञापन वगैरह दिया जाता है वहां से सूचना मिली कि चेयरमैन साहब ऑफिस में नहीं है, बाहर हैं, आउट ऑफ स्टेशन है। लेकिन बाद में पता चला कि चेयरमैन साहब वहीं पर थे, ठीक है। तो अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के सामने धरना दिया और अभ्यर्थियों ने कहा कि दशहरे के बाद एक बार फिर से कोशिश की जाएगी मिलने के लिए, और अगर फिर भी चेयरमैन साहब नहीं मिलते हैं तो फिर बेमियादी धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। इससे पहले आपको बता दें कि आयोग ने 4 सितंबर को अभ्यर्थी मिले थे आयोग के अध्यक्ष से, तो उसमें कहा गया था कि रिजल्ट हैं जल्दी जारी कर दिए जाएंगे और जो जांच थी STF की वो जांच का परीक्षण करवा करके ये लोग इसका रिजल्ट जारी कर देंगे। सितंबर में ही रिजल्ट जारी करने के लिए बोला गया था, लेकिन अक्टूबर चल रहा है, अभी तक कुछ भी इसमें नहीं हुआ। तो इसीलिए अभ्यर्थी परेशान हैं कि आखिर कुछ पता तो चले कि रिजल्ट में हो क्या रहा है, क्या स्टेटस है उसका, ठीक है। तो अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। UPSC इंटरव्यू में किया फेल, उठे सवाल। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले सहायक सांख्यिकी अधिकारी का रिजल्ट आया था, उसमें काफ़ी विरोध चल रहा है, काफ़ी अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर इंटरव्यू सही से नहीं कराया गया, इंटरव्यू फेल कर दिया गया, काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है, आरोप लगा रहे हैं। तो उसी को लेकर के अपडेट है कि ASO भर्ती परीक्षा को लेकर एक और विवाद आया सामने, आयोग की चयन प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का आरोप है। इस बार जो आरोप लगा इंटरव्यू में लेकर के लगा है कि इंटरव्यू में जानबूझकर फेल किया गया है भर्तियों को, और इसीलिए 373 पदों पर जो भर्ती होनी है उसमें सिर्फ 142 अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया है, ठीक है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं, तो ये न्यूज है BEd को लेकर के, जिन छात्रों की फीस अटकी है वे आज से सही कराएं। दोस्तों BEd कॉलेजों में काफ़ी छात्रों ने एडमिशन कराया है इस बार, तो बहुत से छात्रों का 0 फीस पर एडमिशन वगैरह होता है, तो उनके लिए विश्वविद्यालय फीस खुद पे करता है सरकार की तरफ से, ठीक है। तो काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी फ़ीस आ चुकी है, कई अभ्यर्थियों की फ़ीस अभी तक नहीं आई है, कई अभ्यर्थियों के अकाउंट डिटेल्स बैंक डिटेल्स में दिक्कतें हैं। तो विश्वविद्यालय ने, बरेली यूनिवर्सिटी ने इसके लिए पूरा डेट जारी कर दी है कि आज से आप लोग 4-5 दिन का समय है, आप लोग अपना अकाउंट डिटेल सही करा लें, जो इसमें गलतियां हैं उनको ठीक कर लें, नहीं तो फिर फीस भेजने में प्रॉब्लम होगी, फीस नहीं जा पाएगी, फिर समस्या होगी, ठीक है। तो आज से यूनिवर्सिटी का काम जो है फीस वाला, इसमें तेज़ी लाई गई है, काफ़ी सारी टीमें गठित कर दी गई हैं, अलग अलग पैनल बना दिए गए, ये लोग जल्दी से काम करेंगे और फीस ट्रांसफ़र करेंगे सभी छात्रों की, ठीक है। और अगली जो न्यूज है दोस्तों वो है चयन बोर्ड को लेकर के, चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन आज से शुरू हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि TGT PGT 2016 के रिजल्ट का सभी को इंतजार है, तो उसी के चलते आज से धरना प्रदर्शन शुरू किया जा रहा है चयन बोर्ड पर। यहाँ पे दिया गया है कि आयोगों के मर्जर एवं भर्ती लटकाने के विरोध में प्रतियोगी छात्र शुक्रवार सुबह 11 बजे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन करेंगे। यह निर्णय बृहस्पतिवार को छात्र संघ भवन के सामने हुए प्रतियोगी छात्रों की बैठक में लिया गया। तय हुआ कि 10, 11 एवं 12 अक्टूबर को रसूलाबाद के महादेवी वर्मा पार्क, सलोरी के दुर्गा पार्क एवं एनी बेसेंट स्कूल में शाम 5 बजे से बैठक कर सरकार जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। बैठक में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान और काफ़ी लोग वहां पर मौजूद थे, ठीक है। तो आज से रिजल्ट को लेकर के जो आयोगों को मिला करके एक नया आयोग बनाया जा रहा, उन सब चीज़ों को लेकर के धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। आप भी इलाहाबाद के आसपास के हैं तो यहाँ पर धरना पर जा सकते हैं, और जितनी ज़्यादा छात्र संख्या वहाँ पर होगी उतना ज़्यादा आयोग के ऊपर दबाव पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरी अपडेट थी आज के वीडियो की। आयोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और
लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर विजिट करते रहें। हमें जो भी सरकारी नौकरी की अपडेट होती है आपको तुरंत मिलती रहती है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक, वेबसाइट के लिंक, सारे लिंक दिए गए हैं। तो वहाँ से आप लोग हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं ताकि आपको रिसेंट जो भी अपडेट होती है वो मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।